कारवां टीवी हर पल आपके साथ। अपनी बसंती को पाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया कन्नौज का वीरू। आगे जाने क्या हुआ। शोले फिल्म की पानी की टंकी वाले सीन से तो आप वाकिफ होंगे ही, जिसमें बसंती से शादी के लिए हाँ बुलवाने को वीरू पानी की टंकी पर चढ़ गया और उसकी रजामंदी के बाद ही बहन नीचे उतरता है। फिल्म के इस सदाबहार दृश्य की वानगी कन्नौज जिले के गुरसहायगंज में बुधवार को देखने को मिली। इसमें जिले का एक प्रेमी महज इसलिए टावर पर चढ़ गया था ताकि प्रेमिका और उसके स्वजन दोनों के निकाह को मंजूरी दे दें। हालांकि काफी देर तक युवती के घर वाले इस रिश्ते की सहमति से इनकार करते रहे। आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। अपने साथी से शादी के लिए यहाँ बुलवाने को लोग तरह तरह के पैतरे आजमाते हैं। गुरसहायगंज में प्रेमी युवक के द्वारा भी कुछ ऐसा ही किया गया। दरअसल नगर के मोहल्ला आजाद नगर निवासी युवक पड़ोस की एक युवती से प्रेम करता है। जब उसे लगा कि प्रेमिका के घर वाले उसका निकाह कहीं और कर देंगे, तब इस पर वह बुधवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गया। साथ ही प्रेमिका के साथ शादी न होने पर जान देने की बात कहने लगा। शोरगुल सुनकर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। जब उन्होंने वजह पूछी तो उन्हें पता चला कि मामला प्रेम प्रसंग का है। इस पर काफी देर तक लोगों ने युवक को समझाया और आश्वासन देकर उसे टावर से नीचे उतारा। इस तरह निकला मामले का हल। युवक को टावर से नीचे उतारने के बाद युवती के स्वजन दोनों को लेकर थाने पहुंचे। यहां पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह ने दोनों पक्षों को समझाया और युवती के घर वालों से इस रिश्ते के लिए हामी भरने की सलाह दी। पुलिस और पड़ोसियों की राय सही लगने पर युवती के स्वजन उसके प्रेमी से ही निकाह कराने को राजी हो गए। हालांकि इसके बाद ये बाकिया आसपास के मोहल्लों में चर्चा का विषय बना रहा। कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।